अस्सलाम वालेकुम, कैसे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो सऊदी अरब से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें हजारों गैर मुल्कियों को पकड़ा गया है और हजारों गैर मुल्कियों को सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया गया है। और भी एक बहुत अच्छी खबर शेयर करने वाला हूँ जो गैर मुल्की से रिलेटेड है और वो सैलरी से लेकर के रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर हर गैर मुल्की जो यहाँ पर आते हैं, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या किसी भी देश के आते हैं, तो यही सोच कर आते हैं कि हमारा सैलरी जो है इंक्रीज हो, थोड़ा बढ़े। और एक कि सऊदी अरब में अभी महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, आप लोग समझ सकते हैं कि जो लोग अभी सऊदी अरब में रह रहे हैं तो उन्हें पता है कि अभी महंगाई सऊदी अरब में किस तरीके से बढ़ रही है। तो ये सब देखते हुए तो मंत्रालय में बैठक हुआ और यहाँ पर ये डिसीजन किया गया कि 2024 में गैर मुल्कियों का जो भी काम कर रहे हैं तो उन सब का सैलरी भी बढ़ेगा। और कितना बढ़ने वाला है ये भी आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को आप लोग जरूर पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोग को मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब में गैर मुल्कियों से जुड़ी जो बड़ी अपडेट है, जो इसमें बहुत सारे हजारों गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है और हजारों गैर मुल्कियों को देश से बाहर निकाला गया है। तो सऊदी अरब के समाचार एजेंसी ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का हवाला देते हुए बताया है कि यहाँ पर 15 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक 19,431 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से हजारों लोग इकामा उल्लंघन में गिरफ्तार हुए हैं, बहुत सारे लोग लेबर लॉ के उल्लंघन में गिरफ्तार हुए हैं और बहुत सारे लोग बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी अरब के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए गिरफ्तार हुए हैं, और बहुत सारे सऊदी अरब से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे जो बॉर्डर के जरिए से सऊदी अरब के बाहर या सऊदी अरब के अंदर आते हैं, तो ये इनलीगल तरीका है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। पर बहुत सारे गैर मुल्की यहाँ सऊदी अरब में बिना वीजा के बॉर्डर के अंदर घुस जाते हैं और बॉर्डर के जरिए से ही वो अपने देश में चले जाते हैं, और जिनका बहुत ज़्यादा लक खराब होता है यानी किस्मत खराब होता है तो वो बॉर्डर पे ही पकड़ लिए जाते हैं। हालांकि ये जो पकड़े जाते हैं उनका ही आंकड़ा आता है सामने, और कितने देश के अंदर आ जाते हैं, सऊदी अरब में घुस जाते हैं, इनका कोई आंकड़ा नहीं बता सकता। और ये यमन और इथियोपिया के लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इनका जो बॉर्डर है ये सटा हुआ है, तो यहाँ से इनको आने जाने में आसानी रहती है, तो इस वजह से ये लोग अंदर आ जाते हैं और आसानी से बाहर भी चले जाते हैं। और अपडेट में ये बताया गया है कि 11,897 लोग जो इकामा उल्लंघन में गिरफ्तार हुए हैं, जिनका इकामा एक्सपायर हो गया था या उनके पास इकामा नहीं था, इनवैलिड था, तो इन सब मामलों में 11,897 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पर 4,254 लोगों को बॉर्डर कानून के तहत उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 280 लोगों को लेबर लॉ के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर 19,431 गैर मुल्कियों को यहां पर सऊदी अरब में 15 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच में पकड़ा गया है, जिसमें से 9,566 लोगों को देश से डिपोर्ट कर दिया गया है, मतलब सऊदी अरब से बाहर कर दिया गया है। तो डिपोर्ट कर दिया गया है तो अभी वे सऊदी अरब के अंदर अभी एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो जिन गैर मुल्कियों को डिपोर्ट कर दिया गया है तो अभी सऊदी अरब में किसी भी वर्क वीजा पर नहीं आ सकते हैं, तो अभी फिलहाल उनके लिए सऊदी अरब बैन हो चुका है। अगली अपडेट है सऊदी अरब के जितने भी गैर मुल्की यहाँ पर काम करते हैं उन लोग का सैलरी से लेकर जो यहाँ पर बताया गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि ये 2024 में जितने भी गैर मुल्की यहाँ पर नौकरी करते हैं, काम करते हैं, तो उनका सैलरी जो है 6% बढ़ने वाला है। तो जिन जिन भाइयों का सैलरी बढ़ चुका है, अभी मेरे हिसाब से तो अभी किसी का नहीं बढ़ा हुआ है, फिर भी जिन भाइयों का सैलरी 2024 में अभी फरवरी चल रहा है तो जिनका भाइयों का बढ़ चुका होगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि अभी सऊदी अरब में जान रहे हो कि जिस तरीके से, जैसा कि हमने पहले बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी महंगाई बढ़ रही है, जो 1 रियाल का सामान मिलता था पहले अभी वो 2 रियाल का सामान हो गया है, फिर भी सैलरी जो है अभी वही का वही है, सैलरी में कोई इजाफा नहीं हुआ है। तो यही सब देखते हुए मंत्रालय ने एक बैठक बनाया और उसके बाद उसमें जो है डिसीजन लिया गया कि 2024 में तो इसमें जो है बताया गया है कि 6% सैलरी जो है बढ़ने वाला है 2024 के अंदर। अब ये नहीं बताया गया है कि किस किस कैटेगरी का बढ़ेगा, फिलहाल यहाँ पर ये बताया गया है कि 6% सैलरी जो है बढ़ने वाला है गैर मुल्कियों का। तो कुल मिलाकर किसी किसी की सैलरी बढ़ने वाली है और जिनकी भाइयों की बढ़ चुकी है वो हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से ये अपडेट में बता दिया गया है कि सैलरी 2024 में बढ़ने वाली है 6%,
पर देखना यह है कि किन किन भाइयों का सैलरी बढ़ने वाला है, किन किन भाइयों का सैलरी बढ़ता है। हालांकि सैलरी तो नहीं बढ़ती, पर महंगाई जो है जरूर बढ़ जाती है सऊदी अरब में। जिस तरीके का भी डीजल का भी भाव बढ़ा है सऊदी अरब में हाल ही में, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों का भाव बढ़ा है। इसे बढ़ना भी चाहिए गैर मुल्कियों का, क्योंकि ये अपना मुल्क अपना देश छोड़ कर आते हैं, अपना घर परिवार छोड़ के आते हैं, बीवी बच्चे माँ बाप को छोड़ के आते हैं, तो सैलरी तो लाजिम है कि बढ़ना चाहिए। जिस हिसाब से यहाँ पर महंगाई अभी है, उस हिसाब से सैलरी की इंक्रीजिंग जरूर होनी चाहिए। हालांकि अपडेट में तो बता दिया गया है कि 6% सैलरी बढ़ने वाली है, पर इसमें कौन कौन सी कंपनियां और कौन कौन से कपिल अमल करते हैं कि अपने वर्करों का सैलरी बढ़ा कर देते हैं, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल ये अपडेट में बताया गया है कि 6% सैलरी 2024 में बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। अगली अपडेट है सऊदी अरब के पासपोर्ट विभाग से यानी जवाजात की तरफ से ये एक अपडेट जारी किया गया है कि जो भी गैर मुल्की सऊदी अरब में रहते हैं और वो जुर्माना से बचना चाहते हैं, तो अपना टाइम पर जो है अपना इकामा का जो एक्सपायरी डेट है वो उसका एक्सपायरी डेट से पहले ही अपना रेन्यूअल करा लें, या जो उनका रेसिडेंसी परमिट है वो जो है रेन्यूअल करा लें, तो उनका जो है जुर्माने से वो बच सकते हैं। पर यह भी बताया गया है कि सऊदी जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट यानी जवाजात की तरफ से ये बताया गया है कि गैर मुल्की को मेडिकल टेस्ट कराने के बाद जो भी जरूरी जुर्माने हैं वो अदा कर देना चाहिए। आप लोग भी देख सकते हैं साफ साफ कि यहाँ पर ये बताया गया है सऊदी जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट यानी जवाजात के द्वारा यानी जवाजात की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि गैर मुल्कियों को मेडिकल टेस्ट कराने के बाद जो भी जरूरी जुर्माना है, जो भी उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है, वो जुर्माना वो अदा कर दें जल्द से जल्द, और ताकि उनका जो इकामा है वो उन्हें दे दिया जाए। और इकामे का जो रेन्यूअल फीस होता है या इकामे का जो फीस होता है वो अफसर अकाउंट के जरिए से या मुकीम पोर्टल के जरिए से जो है आप करा सकते हैं, रेन्यूअल भी कर सकते हैं, उसका फीस भी आप अफसर के भी जरिए से कर सकते हैं या मुकीम पोर्टल के जरिए से भी आप कर सकते हैं।